दोस्तों दो नहीं एक ही वीडियो में आपको डंकी और सलार के बारे में बात करूंगा। डंकी का 12वां दिन है आज और सलार का 11वां दिन है और 1 जनवरी 2024 है। फिल्म का रिलेशंस दोनों ही फिल्मों किस तरह से आया है या किस तरह से आ जाएगा वो सब बताने वाला हूँ। सबसे पहले डंकी की बात करते हैं। डे 12 बताने से पहले डे 11 की कुछ नहीं तो इस फिल्म ने तकरीबन 11.5 से 12 करोड़ कमाई की होगी। 11.5 से 12 करोड़ कम से कम, तो इसका बेस कलेक्शन अगर हम पकड़ के चले 11.5 करोड़, तो फिल्म का टोटल 180 करोड़ पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। और आज का जो दिन है बहुत ही क्रुशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के दिन इसके जो पिछले घंटे की बात करें तो लगभग 9,000 के ऊपर टिकट्स बिक रहे हैं। बिल्कुल हॉलीडे वाला फीवर आज भी है, 1 तारीख को छुट्टी है, हर जगह छुट्टी है और उसका फायदा फिल्म को मिलेगा। और मेरा प्रेडिक्शन 9 से 10 करोड़ तक का है। मुझे लगता है ये फिल्म आराम से 9 से 10 करोड़ की कमाई कर सकती है और 9 से 10 करोड़ की कमाई इसकी आज ही होती है तो फिल्म का टोटल हो जाएगा 189 से 190 करोड़ तक, 189 से 190 करोड़ तक। यानी कि ये हफ्ता ख़त्म होते होते, ये जो नया हफ्ता लगा है स्पेशली वीकडेज ख़त्म होते होते, अगर सब कुछ सही रहा तो ये फिल्म 200 करोड़ डाक जाएगी, 200 करोड़ प्लस पहुंच जाएगी। यहाँ से फिल्म का लाइफ टाइम मुझे 220-225 करोड़ तक नज़र आ रहा है। लेट्स सी, अगर उतना भी कमाई कर ले तो एक बड़ी बात होगी। दोस्तों बात करते हैं दूसरी फिल्म की जिसका नाम है सलार, और सलार के डे 11 बताने वाला हूँ। डे 11 बताने से पहले डे 10 की बात कर लूँ। डे 10 को किसी भी हाल में इस फिल्म ने 10 करोड़ के आसपास तक की कमाई की होगी। इसका टोटल 10 दिन के बाद 118 करोड़ 25 लाख होता हुआ नजर आ रहा है, 118.25 करोड़। और आज ये फिल्म आराम से 7 से 9 करोड़ तक की कमाई करने का दम रखती है, 7 to 9 करोड़। और इसके जो टिकट्स पिछले एक घंटे में बिके हैं वो 15,000 के ऊपर टिकट्स बिके हैं, यानी कि डंकी से ऑलमोस्ट 40% आगे ये चल रही है टिकट का बुकिंग के हिसाब से, उसके हिसाब से। तो मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन, शायद मैं गलत भी हो जाए, 10 करोड़ के ऊपर कलेक्शन आ जाए, बहरहाल 7 से 9 करोड़ तक का प्रेडिक्शन है और इस रेंज में कलेक्शन हो रहा है तो फिल्म का टोटल हो जाएगा हिंदी मार्केट में 125 करोड़ से लेकर 127 करोड़ तक, 125.25 करोड़ से 127.25 करोड़, 125 करोड़ 25 लाख से 127 करोड़ 25 लाख के आसपास का कलेक्शन आज हो सकता है। तो डंकी और सलार दोनों ही उफान पर है और ये आखिरी उफान है, ये आखिरी लहर है। जितना ये कलेक्शन कर ले उतना इस फिल्म दोनों ही फिल्मों के लिए फायदा होगा। आज के बाद दोनों ही फिल्मों का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी कम आता हुआ नजर आएगा। बहरहाल मंडे है, टिकट प्राइस वैसे मुझे कम काफ़ी नज़र नहीं आए, और वैसे भी जब पब्लिक देख रही है फिल्मों को और पब्लिक के पास ऑप्शंस भी नहीं है, सलार देखे, डंकी देखे, एनिमल, यही 3 फिल्में हैं और फैमिली के हिसाब से सिर्फ डंकी है, तो ये सब का फ़ायदा दोनों ही फिल्मों को मिल रहा है। और कहा जाए तो जिस हिसाब से क्लैश हुआ है उस हिसाब से दोनों ही फिल्मों को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और सम्मानजनक टोटल दोनों ही फिल्मों का लाइफ टाइम होगा। हालांकि उम्मीद से दोनों ही फिल्में थोड़ी थोड़ी कम है, ये बात आपको पता है और मुझे भी यकीन है इस बात का, लेकिन फिर भी लॉन्गर रन में दोनों ही फिल्म अपना काफ़ी हद तक बजट रिकवर कर पाएगी और एक प्रॉफिटेबल जोन में फिल्म चली जाएगी डंकी। सलार का मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे लगता है हिंदी मार्केट में उसका ब्रेक इवन ऑलरेडी हो चुका है, और ब्रेक इवन मतलब जितना कमाई करनी थी उसे एक फिल्म का जो लॉस ना हो उस हिसाब से जितना कमाई करनी थी उतना इसने कर ली है, 100 करोड़ के ऊपर ऑलरेडी जा चुकी है और जो भी अब आ रहे पैसा वो कहीं ना कहीं मुनाफे में जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। शुभ फल, धन्यवाद।